निमग्न हो जाते। बोधमते पितरो नृत्यंत देवता, और देवता लोग नृत्य करने लगते हैं ऐसे भक्त, क्योंकि ऐसे भक्त के लिए ही भगवान का अवतरण भी होता है, भगवान की दिव्य छवि का साकार रूप में आविर्भाव भी होता है। वह चिन्मय सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वयं निराकार से साकार विग्रह धारण करके धराधाम पर आकर के विभिन्न प्रकार की लीलाएं किया करता है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सांडिल्य ने अपनी भक्ति सूत्र में भगवान के अवतार के विषय में बताया है कि उसमें तस्य हेतु कारुण्यम्, करुणा ही उसमें हेतु होती है, और करुणा किस पर? भक्त के ऊपर। भक्त की पुकार सुनकर भक्त को प्रमोद प्रदान करने के लिए प्रभु का अवतरण होता है, और उनके अवतरण में किसी दूसरे प्रयोजन की आवश्यकता नहीं। भगवान को यदि दुष्टों का वध करना हो तो उनके तो एक इशारे पर ही अनंत ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, उनको मारने के लिए किसी को आने क्या जरूरत। आप कहें कि नहीं, रावण को मारने के लिए राम आए, तो रावण तो भक्त था। जय विजय रावण कुंभकर्ण बना। आप जरा सोचिए, नारद के शिवगण रावण कुंभकर्ण बने, महाराजा भानु प्रताप रावण कुंभकर्ण बना, उसका भाई कुंभकर्ण बना, जलंधर रावण बना, ये सब परमात्मा के अनन्य चरणानुरागी थे। श्राप बस रावण योनि को, राक्षस योनि को प्राप्त हुए थे। उपजे जद विपुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भये सकल अग्रूप। तो श्राप ग्रसित अपने भक्तों को विमुक्त करने के लिए भगवान अवतार लिए। सो केवल भक्तन हित लागी, उनके अवतार में केवल भक्ति ही कारण होती है, भक्तों का ही भाव कारण होता है, और कुछ कारण नहीं होता। इसलिए सांडिल्य मुनि कहते हैं तस्य हेतु कारुण्यम्, करुणा ही उसमें कारण है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मोदंते पितरो नृत्यंत देवता, जब ऐसा भक्त इस पृथ्वी पर अवतरित होता है तो उसके पितर जो है वो मुदित हो जाते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं, और नृत्यंत देवता, देवता लोग नृत्य करते हैं, और सनाथा चेयम भूर्भवती, और यह पृथ्वी जो है वो सनाथा हो जाती है। उन भक्तों की कृपा, उन भक्तों के अवतरण से, उन भक्तों के इस पृथ्वी पर आविर्भूत होने पर, क्योंकि ऐसे भक्तों के लिए भगवान स्वयं आते, भगवान की वह अनंत सत्ता को वो अपने सीमित रूप में अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए मोदंते पितरो नृत्यंत देवता सनाथा चेम भूर्भूत। और इस प्रकार के भक्तों के जीवन की जो सबसे बड़ी विशिष्टता है, वह जैसा कि मैंने एक दिन और आप लोगों को बताया था कि भक्ति से अभिभूत जो व्यक्ति है वह अपने एक नहीं अनेक कुलों को उतार देता है। देवता लोग, पितृ लोग प्रसन्न होकर के परमात्मा से कहते हैं, मत कुले वैष्णव आ जाता, मेरे कुल में एक वैष्णव उत्पन्न हुआ है, अब ये मेरा उद्धार कर देगा, इसके जन्म लेने मात्र से मेरा उद्धार हो जाएगा। आप लोग वैसे जानते हो, आजकल जब डॉक्टर बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि किसी भी प्रकार के संस्कार जो बनते हैं वो 21 पीढ़ियों तक चलते हैं। एक बार एक सज्जन बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा, हम कहा कि आपको पता है ना 21 पीढ़ी तक रोग के परमाणु चलते हैं, जीवाणु पिता से पिता से पिता से इस प्रकार से। बोले हाँ। अरे हम कहा, भले आदमी रोग के परमाणु 21 पीढ़ी तक जा सकते हैं और योग के परमाणु 21 पीढ़ी तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? उनसे वो कमजोर होते हैं क्या है? उनसे वो निर्बल होते हैं? ना ना, बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल निर्बल नहीं होते। यदि रोग के परमाणु 21 पीढ़ियों तक जा सकते हैं तो योग के परमाणु भी 21 पीढ़ियों तक जाएंगे, बल्कि 21 से ज्यादा जाएंगे, क्योंकि वो तो ज्यादा प्रबल होते हैं। रोग के प्रति तो कभी सद्भावना हुई नहीं किसी की, इसलिए उनके टिकने में दुविधा भी हो सकती है, संशय भी हो सकता है, लेकिन योग के प्रति तो सदैव सद्भावना बनी रहती है, इसलिए उनके टिकने में कोई संदेह और दुविधा नहीं है। तो योग के परमाणु भी आनुवंशिक परंपरा से चला करते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसलिए जिस कुल में कोई भगवत भक्त या वैष्णव उत्पन्न होता है उस कुल के पितर लोग जो है वो आनंद निमग्न होते हैं, और वो जहां भी जिस किसी भी रूप में जिस किसी भी स्थान में रहते हैं उस भक्त की कृपा से, भक्त की करुणा से, भक्त की भक्ति से भगवत
कृपा के पात्र बन जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसलिए बोधनते पितरो और नृत्यंत देवता, देवता लोग इसलिए नृत्य करते हैं कि भक्त के लिए भगवान का आविर्भाव होगा और भगवान के आविर्भाव से दिव्य शक्तियों का विकास होगा, दिव्य शक्तियों की पुष्टि होगी, आसुरी शक्तियां नष्ट होगी, देवताओं को प्रसन्नता प्राप्त होगी, दिव्य गुणों की प्रतिष्ठा होगी। इसलिए नृत्यंत देवता और सनाथा चेम भूर्भुवः, और पृथ्वी भी अपने आप को सनाथा पाती है, जो निर्गुण निराकार निरीह निरंजन परमात्मा सदैव त्रिपादस्थ रहता है, पादोस्तु विश्वा भूतां त्रिपादस्यां मृतं देवी, जिसके लिए वेद कहता है, वह भक्त की कृपा से ही इस एक चरण एक पाद पृथ्वी पर भी विभिन्न रूपों में अवतरित होकर के क्रियाएं किया करता है। इसलिए सनाथा चेम भूर्भुवः, पृथ्वी भी सनाथा हो जाती है। अब आगे पूछा गया कि इस प्रकार की भक्ति का कौन पात्र हो सकता है। हमारे यहां भारत में बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा, आचार्यों की बात तो मैं नहीं करता, आचार्य जितने हुए हैं सभी ने लोक कल्याण की भावना व्यक्त की है, लेकिन बाद में संप्रदायों में दोष आया और संप्रदायों में दोष यहां तक पहुंच गया कि आचार्य शंकर के संप्रदाय में यह संस्कार बना कि केवल ब्राह्मण की मुक्ति होती, केवल ब्राह्मण, यदि क्षत्रिय को कभी मुक्ति मिलेगी तो ब्राह्मण बनकर के मिलेगी, चाहे एक दिन के लिए किसी ब्राह्मणी की पैदा हो जाए, लेकिन क्षत्रिय बनकर के उसे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो ब्राह्मण योनि में नहीं जाएगा। और वैश्य को भी मुक्ति मिलेगी तो वैश्य क्षत्रिय बनेगा, क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण बनेगा, तब मुक्ति का अधिकारी होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। शूद्र के लिए मुक्ति है ही नहीं जब तक कि वो शूद्र से वैश्य, वैश्य क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण न बने, ये अनर्थकारी संस्कार है। रामानुज संप्रदाय में देखा गया कि नहीं, केवल ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को मुक्ति मिलती है, दोनों को मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि जनक आदि जो थे वो क्षत्रिय थे और मुक्ति के पात्र हुए। ऐसे और भी अनेकों राजाओं की कहानियां हमें उपनिषदों में मिलती हैं, जो ब्रह्मवेत्ता थे, तत्ववेत्ता थे, और इस ब्रह्म विद्या को तो राज विद्या ही कहा गया है, इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दो को मुक्ति मिलती है। बाद में बल्लभ संप्रदाय में सिद्धांत व्यक्त किया गया कि नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों को मुक्ति मिलती है, क्योंकि वैश्य भी द्विज कहा जाता है और द्विज होने के नाते वह भी वेद का अधिकारी है, वेदाध्ययन का अधिकारी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विज कहते हैं, द्विज माने दोबारा जन्म लेने वाला, तो ये तीनों को व्रतबंध का अधिकार है, तीनों को दोबारा जन्म ग्रहण करने का अधिकार है, यानी एक जन्म तो माता पिता के रजवीर से हुआ है और दूसरा जन्म सावित्री माता आचार्यों पिता के द्वारा होता है, जहां गुरु पिता होता है और सावित्री माता होती है और उसकी आत्मा का जन्म होता है, तो द्विज होने के नाते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों की मुक्ति होती है। लेकिन शूद्र बेचारे की मुक्ति की कहां से होगी, ये तो बड़ी मुश्किल थी, शूद्र की मुक्ति कैसे हो। तो भारत में केवल एक महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने घोषणा की नहीं, मानव मात्र ही नहीं प्राणी मात्र की भी मुक्ति हो सकती है। मानव मात्र की तो बात ही क्या, जानते उनका क्या नाम था, उनका नाम था संत रामानंद, आचार्य रामानंद। एक वो महापुरुष हुआ जिसने घोषणा की कि नहीं, हरिका भजे सो हरिका हो, जाति पाति पूछे ना को। और उस महापुरुष ने केवल जवान से नहीं कहा, प्रचार नहीं किया, बल्कि अपने शिष्यों में हर एक वर्ग के व्यक्ति को दीक्षित करके उसी प्रकार की सिद्ध अवस्था में पहुंचाया। छोटी से छोटी जाति के व्यक्ति को उठा करके साधना द्वारा उस परम तत्व की अनुभूति कराई और उस सिद्धावस्था में पहुंचा करके प्रतिष्ठित किया उसे। जिनके शिष्य कबीर हुए, जिनके शिष्य रविदास हुए, जिनके शिष्य सेना, धन्ना, पीपा, जिनकी शिष्याएं दो स्त्रियां थी, एक सुरसरी दूसरी पद्मावती, क्योंकि इन महापुरुषों ने तय कह दिया था कि स्त्रियों के लिए मुक्ति नहीं है, स्त्रियों के लिए मुक्ति नहीं है, मुक्ति हो सकती है स्त्रियों की, केवल एक ही रास्ता है उनकी मुक्ति का, यदि वो पति की भक्ति करती रहे तो जब पति मुक्त होगा तब उसके साथ वो मुक्त हो सकती है, स्वतंत्र उनकी मुक्ति नहीं होगी।
लेकिन उस महापुरुष ने कहा कि ये सब गलत धारणाएं हैं, परमात्मा की उपासना का अधिकार सभी को है और परमात्मा की मुक्ति जो है, यानी परमात्मा की प्राप्ति जो है या मुक्ति जो मोक्ष जो है वो मानव मात्र के लिए, इसलिए वहां जाति पाति का कोई भेद नहीं है। ये भगवान रामानंदाचार्य ने इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की और उन्होंने, उनसे पहले ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं थी, वेद व्यास ने इसकी घोषणा की है, गीता में भगवान ने कहा है स्त्रियों शुद्रास्ते परांगति, स्त्री वैश्य शुद्र आदि सभी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। और यहां तक उन्होंने कहा अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक् व्यवस्थो हि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वं शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रहृष्यति। भगवान ने कहा कि घोर से घोर दुराचारी पापात्मा जो है, चांडाल जो है, वो भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो अभी परम गति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन गीता की बात, उपनिषदों की बात और शास्त्रों की बात, भागवत आदि पुराणों की बात, व्याध आदि यानी ऐसे तत्व वेताओं की कथाएं जो महाभारत आदि इतिहासों में पड़ी थी, इनकी बातें मध्यकाल में सारी लुप्त हो गई आचार्यों की बातों के सामने। लेकिन भगवान रामानंदाचार्य ने अपने दिव्य विचारों से देश में एक महान आंदोलन की प्रक्रिया जागृत की और जिसमें सभी वर्ग के लोगों को परम कल्याण की प्राप्ति का मार्गदर्शन किया। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि आगे ये भक्ति का प्रश्न आया कि आखिर भक्त कौन हो सकता है, ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, अच्छे संस्कार मिले हो। उन्होंने कहा कि नहीं, नास्ति तेस जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदा। भगवान की भक्ति में जाति का भेद नहीं है, नास्ति तेस जाति विद्या का भेद नहीं है, कुल का भेद नहीं है, धन का भेद नहीं है, क्रिया का भेद नहीं है, इसके लिए कहीं स्थान नहीं है। जाति विद्या रूप कुल धन और क्रिया, इतने ही अक्षर इसमें देवर्षि नारद कह रहे हैं, नास्ति तेस जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया निवेदा। भक्ति में जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया का भेद नहीं है। लेकिन मैंने सुनाया था ना आप लोगों को वेद व्यास का एक श्लोक जिसमें उन्होंने कहा था, भक्त्या तुष्यत केवल नचगुण भक्ति प्रियो माधव, माधव को केवल भक्ति प्रिय है, उनको गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाम किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदामनोधनम भक्त्या तुष्यत केवल नचगुण भक्ति प्रियो माधव। इसलिए माधव को केवल भक्ति प्रिय है, उनको इनसे कुछ नहीं लेना देना। किस जाति में कौन पैदा हुआ है, किस कुल में कौन पैदा हुआ है, कितना धनी है, कितना गुणवान है, कौन सा कर्म कर रहा है, इससे उनको क्या लेना देना। ये तो सब संसार की बातें हैं। भगवान तो संसार का पिता है, संसार का स्रोत है, संसार तो उसकी दृष्टि में है ही नहीं। यदि कहा जाए सही में भगवान की दृष्टि में संसार नहीं, मनुष्य की दृष्टि में संसार है, भगवान की दृष्टि में तो केवल भगवान है। मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, भगवान गीता में कहते हैं धनंजय मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणायव अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उत्पधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। मैं स्वयं इस जगत रूप में प्रकट होता हूँ और मैं स्वयं अपने आप को समेट लेता हूँ। गीता के सातवें अध्याय में भगवान समझा रहे हैं कि मैं स्वयं प्रकट होता हूं जगत रूप में, नाना रूपों में मैं स्वयं हूं और मैं स्वयं अपने आप को समेट लेता हूं। इसलिए भगवान की दृष्टि में सृष्टि नहीं है, भगवान की दृष्टि में संसार नहीं है। एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे सूर्य से कोई पूछे कि अंधकार को तुम दूर करते हो तो सूर्य क्या बताएगा। सूर्य ने कभी अंधकार का दर्शन किया है क्या राय आप लोगों? कभी नहीं। सूर्य को क्या पता अंधकार क्या होता है, लेकिन हम सूर्य को कहते हैं कि आप तो तमारी हैं, तमारी माने अंधकार के शत्रु हैं। हमारी दृष्टि से सूर्य तमारी है, लेकिन सूर्य की दृष्टि से सूर्य तमारी नहीं है, क्योंकि सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं। इसी रूप से हमारी दृष्टि में संसार है और भगवान है, भगवान की दृष्टि में संसार नाम की कोई चीज नहीं, भगवान की दृष्टि में तो भगवान ही भगवान है।
यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यन्त्र प्रांत विषम विषन्ति तद्वि जिज्ञासा स्वस्तद् ब्रह्म उस परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। वेद कहता है पुरुष ये वेदज्ञम सर्वम यद् भूतम् यच्च भावम्। जो था जो है जो आगे होगा वो परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो परमात्मा की दृष्टि में सृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि में सृष्टि है। इसलिए परमात्मा की उपासना में यावत जीव पूर्ण अधिकार रखता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपनी रामायण में हर एक को गीत को भी भगवान का भक्त बताया, कौए को भी भगवान का भक्त बताया, पक्षियों में इनसे निकृष्ट कौन होगा। गीत अधम खग आमिष भोगी गति पाई जो याचत जोगी। गीत को भी भगवान का भक्त बताया, कौए को भी, सपति हो पक्षी चंडाला और भुसुंडी जी ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ दूसरा। तो जहां पर पशुओं में भक्ति है, पक्षियों में भक्ति है, कीट पतंगों में भी भक्ति है, वहां पर मनुष्यों में भक्ति का अवतरण हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए वो स्वामी जी ने अपनी रामायण में भगवान राम के मुख से ये बात कहलाई, क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा वो स्वामी तुलसीदास जी उसी रामानंद के शिष्य थे। आप लोग मालूम है ना, वो स्वामी तुलसीदास जी भगवान रामानंद के शिष्य थे, ये उसी परंपरा में थे। ये जो मध्यकाल की परंपरा है भारत में, जिस समय सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है, ये उन्हीं महापुरुषों की देन है, ये सब उसी परंपरा में हुए हैं। तो उन्होंने अपने रामायण में यहां तक लिखा, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान के मुख से कहलाए पुरुष नपुंसक नारीवा, पुरुष हो नपुंसक हो स्त्री हो, जीव चराचर कोय चर जीव हो अचर जीव हो कोई किसी प्रकार का जीव हो, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। जो सर्व भावापन्न होकर के कपट का त्याग करके मेरा भजन करता वही मुझे प्रिय, भगवान कहते हैं। इसलिए सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं सारा जगत मेरा उत्पन्न किया हुआ, इसलिए सबसे मेरा प्यार है। अपनी कृति पर किसे प्यार नहीं होता, अपनी अभिव्यक्ति पर किसे प्यार नहीं होता, अपने अंग पर किसे प्यार नहीं होता। इसलिए रामानुजाचार्य ने कहा कि यह संसार जो है परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा स्वरूप ही है। जैसे अपने स्वरूप को सब प्यार करते हैं, अपने स्वरूप की सब संभाल करते हैं, जैसे आपका स्वरूप आपसे अभिन्न अपना अस्तित्व रखता है, इसी रूप से सारा विश्व परमात्मा का स्वरूप होने के नाते परमात्मा से अभिन्न संबंध रखता है और परमात्मा समस्त रूप पर प्यार करता है। आपको आपका पांव का अंगूठा उतना ही प्रिय है जितना कि मस्तक के ऊपर रहने वाली नाक, क्या समझे, उतना ही प्रिय है। दर्द यदि नाक में हो तो ज्यादा होगी और अंगूठे में होगी कम होगी, ऐसा तो नहीं है। प्रिय तो आपको अपना सारा अंग है, लेकिन जहां नाक की बात है वहां नाक रहेगी, जहां अंगूठे की बात वहां अंगूठा रहेगा। इसी रूप से परमात्मा का प्रत्येक अंग परमात्मा को प्रिय है। ये सारे जीव जितने हैं परमात्मा के अंग हैं, परमात्मा सबका अंगी है, ये परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा सबका अंशी है, ये परमात्मा के रूप हैं, परमात्मा सबका रूपी है, ये परमात्मा के शरीर हैं, परमात्मा सबका शरीरी है। ये सिद्धांत प्रस्थापित किया रामानुजाचार्य ने, इसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं। लेकिन विशिष्टाद्वैत कहने की जरूरत नहीं, इसको अद्वैत कहना चाहिए। अद्वैत माने परमात्मा के सिवा और कोई है नहीं, रूप रूपी का भेद है ही नहीं। जब चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम्हारा रूप रूपी का भेद कैसे होगा। रूप रूपी का भेद तो हमारे आप में हो सकता है कि हमारा शरीर पंचभौतिक है, आत्मा हमारे चिन्मय है। लेकिन जहां शरीर भी चिन्मय है आत्मा भी चिन्मय है, वहां रूप रूपी का भेद कैसे होगा। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा कि नहीं, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। परमात्मा में रूप रूपी का भेद नहीं है। उन्होंने बताया रामस्य नाम रूपस्य लीला धाम पराक्रम एतत् चतुष्टयम् नित्यं सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम रूप लीला धाम सब चिन्मय है, वहां कोई भी अदिव्य नहीं है, कोई भी अचिन्मय नहीं है। इसलिए वो कहते हैं नास्ति ते सुजात विद्या रूप कुल धन क्रिया वेदा। परमात्मा की भक्ति में जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं है। आप क्या काम करते हैं इससे कोई मतलब नहीं। सदना कसाई मांस बेचता हुआ भी भगवान का प्रिय हो सकता है, दादू दुनिया का काम करता हुआ भगवान का प्रिय हो सकता है, चेता चमार का काम जूता गांठता हुआ भी भगवान को प्रिय हो सकता है, कबीर जुलाहे का काम करता हुआ भगवान का प्रिय हो सकता है, और क्या कहेंगे आप।
इतना ही नहीं, महाभारत के अंत में कथाएं, महाभारत के अंत में कथा आती है जिसमें राजसूय यज्ञ किया, तो राजसूय यज्ञ में एक नेवला आया और वो सब देख रहे थे वहां पर। नेवला आया, उसका आधा शरीर स्वर्ण का था, आधा शरीर सामान्य था। वो आया तो जहां लोगों ने भोजन करके हाथ धोए थे वहां आकर वो लौटने लगा। लौटने लगा तो लोगों ने देखा ये विचित्र सा नेवला, इसका आधा शरीर तो स्वर्ण रंग का है और आधा शरीर सामान्य है, ये कैसा विचित्र जंतु है और ये क्यों यहां पानी में लौट रहा है। तो लोगों ने आकर उससे पूछा कि भाई तुम इस विचित्र शरीर वाले कौन हो। तो नेवला ने कहा कि मैं ऐसा सुना था, ये मेरा शरीर आधा एक बार एक किसी महापुरुष ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में जो ब्राह्मणों ने यानी संतों ने भोजन किए, ऋषियों ने हाथ धोए पांव धोए, वहां हमारा ये शरीर पड़ा तो इतना अर्ध भाग ये सोने का हो गया। तो मुझे ये बताया कि जब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करेंगे तो उसके बाद में तुम्हारा आधा शरीर ये भी स्वर्ण में हो जाएगा। लेकिन ये मैंने देखा कि मेरा शरीर स्वर्ण में नहीं हुआ, मैं बार बार इसमें धो रहा हूं फिर भी इसका अभिप्राय अभी ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, इस यज्ञ में किसी महापुरुष ने शायद प्रसाद ग्रहण नहीं किया। नेवला की बात सुनकर के सब हैरान रहे, धर्मराज भी पहुंच गए, बात क्या है। भगवान कृष्ण खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे वहां पर, देखा लोगों ने प्रार्थना की भगवान ये नेवला क्या कह रहा है। भगवान ने कहा बिल्कुल सही बात कह रहा है, कहा कि इसका आधा शरीर जो है किस यज्ञ में यानी पूर्ण हुआ था। नेवले ने बताया कि ये तो रंतदेव ने यज्ञ किया था, एक पाव सत्तू का, एक पाव सत्तू का यज्ञ किया था रंतदेव ने, उससे मेरा आधा शरीर स्वर्ण में हो गया था। और इतना बड़ा यानी असंख्य संपत्ति खर्च करके राजसूय यज्ञ किया धर्मराज ने, लेकिन उस एक पाव सत्तू के यज्ञ की बराबरी नहीं कर सका। धर्मराज ने कहा कि भगवान ऐसा कौन है जिसके पदार्पण से हमारा यज्ञ सफल हो सकता है। भगवान ने कहा ऐसा एक मेरा भक्त है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है वाल्मीकि। कहां रहता है वो? काशी में। यदि काशी का वह वाल्मीकि भक्त आ जाए तो तुम्हारा यज्ञ सफल हो सकता है। लेकिन है कौन वो? कहा जाति का तो चांडाल है, स्वपंच है, लेकिन है वो हमारा अनन्य भक्त। जब तक वो नहीं आता, तुम्हारे इस यज्ञ में भोजन नहीं करता, तो तुम्हारा ये यज्ञ सफल नहीं होने। एक समस्या थी, उस सुपज भक्त को भी यहां तक कौन ले आएगा? भीम को ड्यूटी मिली, तुम जाकर ले आओ जल्दी से जल्दी। इंद्रप्रस्थ से काशी गए भीम, उस भक्त को ले आए और उस भक्त के लिए भोजन बनाया स्वयं द्रौपदी ने, और द्रौपदी ने भोजन बनाकर उसको परस दिया। जब भक्त खाने बैठा तो अनेक प्रकार के पकवान वहां रखे हुए थे और उसने सबको मिलाया, एक किया और एक करके भगवान को प्रार्थना किया और खाने लगा। जब वो खाने लगा तो द्रौपदी को आशंका, आशंका क्या, संदेह समझ लो, उसको वो हुआ कि आखिर तो ये चांडाली हमने इतनी मेहनत से इतने प्रकार के भोजन बनाए, इसने किसी को कोई महत्व नहीं दिया और उठाकर सबको इकट्ठा करके वो खाने लगाए। इस शंका से उसने उसकी तरफ देखा, द्रौपदी मौन रहा, वो खाया लेकिन उसका परिणाम शुद्ध नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए था नहीं हुआ। वहां पर एक विजय शंख थी जिसको बजना चाहिए था, शंख भी नहीं बजी। पांडव ने पूछा भगवान इस भक्त के भोजन करने पर भी ये हमारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि नहीं, इसमें गलती द्रौपदी की। द्रौपदी कहती भगवान इसमें मेरा क्या कसूर है? कहा जिस समय हमारा भक्त वाल्मीकि भोजन कर रहा था तुम्हारे दिमाग में क्या बात आई? कहा भगवान गलती जरूर हो गई मेरे से, मेरे दिमाग में ये बात आई कि आखिर ये क्षुद्र जाति का व्यक्ति, इसको क्या पता कि मैंने कितनी मेहनत से इसके लिए भोजन बनाया था और इस भोजन को इसने एक में मिलाकर खाना शुरू कर दिया, किसी का स्वाद इसको पता नहीं चला। भगवान ने कहा तुम्हें आशंका करने के बजाय उससे पूछना चाहिए था, तुम भक्त से पूछो, भक्त तुम्हारा उत्तर देगी। द्रौपदी ने ये प्रश्न किया तो उस भक्त ने क्या उत्तर दिया जानते हो? देवी हम भोजन नहीं करते, हम प्रभु का प्रसाद ग्रहण करते हैं।
और जो हमारे पात्र में आ गया, अब यदि उसमें से किसी प्रसाद को हम पहले लें तो दूसरा प्रसाद जो होगा उसका अपमान होगा। इसलिए हमारे लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रथम ग्राह्य हो और बाद में न हो। इसलिए हम सबको एक करके और सबको मिलाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसकी भावना को देख करके सभी लोग नतमस्तक हुए। उस वाल्मीकि के नाटनी भोजन के पश्चात महाराज युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ संपन्न हुआ। महाभारत में उसकी कहानी है। मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि यदि जाति की उन्नति से या उच्च जाति के नाते कोई महान बनता या भक्त बनता, प्रिय बनता, तो उसमें बड़े बड़े ऋषियों ने भोजन किया था। उस सुपज जाति के वाल्मीकि को भोजन करने की क्या जरूरत थी, यज्ञ पूर्ण हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के विधान में तो भगवान के लिए अनन्यता ही एकमात्र कारण है। जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं है। ये आजकल के जो भारत के हरिजन भाई हैं, अपने आप को वाल्मीकि कहते, अब इन विचारों को पता नहीं, वाल्मीकि रामायण के वाल्मीकि अलग हैं और महाभारत के भक्त वाल्मीकि अलग हैं। इस पर मैंने 2-3 लेख लिखे थे पहले, वाल्मीकि कौन। और ये जो हरिजन भाई संत वाल्मीकि की बात करते हैं, इनके उसी सुपच जाति में एक संत वाल्मीकि हुए हैं, लेकिन वो हुए हैं महाभारत काल में, जिसके द्वारा धर्मराज का राजस्व यज्ञ पूर्ण हुआ था। और वो महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने राम कथा रामायण लिखी है, वो हुए हैं त्रेता के अंत में, भगवान राम के समय। और वो सुपच जाति के नहीं थे, वो तो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे, कुसंगति से किरात बन गए थे। वो तो प्रचेता के पुत्र थे, दसवें पुत्र। इस विषय में मैंने काफी लिखा है। प्रचेता के दसवें पुत्र थे वो, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन बाल्यकाल में, क्योंकि ब्राह्मण जो ऋषि जो थे जंगल में रहते थे, जंगल में किरातों के लड़कों से उनकी दोस्ती हो गई, किरातों के लड़कों के साथ खेलने लगे और वहीं से उन्होंने धनुर्विद्या सीख ली। पक्षी मारने लगे, पक्षी के बाद पशु मारने लगे और एक किरात की कन्या से विवाह कर लिया। विवाह करने के नाते वो किरात होकर के फिर लूटने लगे लोगों को, डाकू बन गए। और डाकू बनने के पश्चात सप्तऋषियों का जब दर्शन हुआ तो वहां से फिर उनको बोध हुआ, जबकि उस किरात की कन्या ने जवाब दे दिया कि तुम मेरे पति हो, तुम्हारा कर्तव्य है हमारी पूर्ति करना, क्योंकि हमारे शरीर का तुम उपभोग करते हो, इसलिए तुम्हारे पाप में मैं भागी नहीं, मैं तुम्हारे केवल धन में भागी हूं। इसलिए उनको ज्ञान हुआ और वो पुनः किरात कर्म से मुक्त होकर के महर्षि वाल्मीकि बने। वो वाल्मीकि जो थे वो ब्राह्मण कुमार थे, कुसंगति में किरात की गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन ये जो वाल्मीकि भगत वाल्मीकि हुए हैं, ये द्वापर के अंत में हुए हैं, सुपच जाति में काशी में उत्पन्न हुए थे, लेकिन भगवान कृष्ण के अनन्य चरणानुरागी थे, इसलिए इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने स्वयं इनका आदर किया था। और इन्होंने धर्मराज के राजस्व यज्ञ की पूर्ति में अपना बहुत बड़ा भाग व्यक्त किया। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान के लिए नास्ति चेत् सुजात विद्या रूप कुल धन क्रिया भेदा, वहां जाति का भेद नहीं है, विद्या का भेद नहीं है, रूप का भेद नहीं है, कुल का भेद नहीं है, क्रिया का भेद नहीं है। कोई कैसा भी हो, यदि अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान का प्रिय है। ये भागवत धर्म है, ये बात याद रखो। इस भागवत धर्म की शिक्षा ही गीता का प्रयोजन है, भागवत धर्म की शिक्षा ही उपनिषदों का प्रयोजन है, भागवत धर्म की शिक्षा ही रामायण का प्रयोजन है, श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है। और इस भागवत धर्म में जाति पाति के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ केवल भगवान की भक्ति के लिए स्थान है। अब आगे के सूत्र में देवर्षि बता रहे हैं, यतस्तदीया एक सूत्र है, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि भगवान के भक्त जो है वो भगवान के होते हैं, उनका गोत्र भगवान का गोत्र होता है। तुलसीदास जी ने जगह लिखा है, अति अयानो उपखानो नहीं बुझे लोग, साहिब को गोत गोत होते हैं गुलाम को। जो भगवान का गोत है वही उनके भक्त का गोत है। इसलिए यतस्तदीया आकर करके इसकी व्याख्या कर करेंगे। समय हो गया है, 11 बज रहे हैं। अब आप लोग प्रार्थना करेंगे और